अजमेर के केंद्रीय कारागृह से एक बार फिर सुविधा शुल्क वसूलने का मामला सामने आया है। अजमेर के आम का तालाब का रहने वाला राजू कुछ दिनों पहले ही चोरी के मामले में जेल में बंद हुआ था। इसी बीच उसके साथ मारपीट कर अन्य पुराने कैदियों ने जेल में सुविधा के नाम पर 10,000 रुपए की वसूली की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर मारपीट करने की चेतावनी दी थी। इस शिकायत को लेकर उसने अपने परिवार को सूचना दी। कैदी राजू की मां गीता देवी ने आज सिविल लाइन थाने में सुविधा शुल्क के नाम पर अवैध वसूली का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के केंद्रीय कारागृह से इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई कैदियों द्वारा सुविधा शुल्क के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। ये कोई गीता देवी है, पत्नी छोटूलाल, आम का तालाब अजमेर रहने वाली है। इसने शिकायत आज थाने में पेश की है कि मेरा लड़का जो केंद्रीय कारागार अजमेर में बंद है, उसके साथ कोई बंदी मारपीट करके पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो उसने उसके लड़के अंदर फ़ोन किया, मेरे को मारपीट कर रहे हैं, पैसे डिमांड कर रहे हैं सुविधाओं के लिए। इस तरह का परिवाद पेश किया है, इसकी जाँच वे जिम्मे की है, जिसकी मैं जाँच कर रहा हूँ और अंदर जाके जाने के बाद इसकी स्पष्ट होगी। परिवादियों ने आरोप लगाया कि 10,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, कुछ अंदर बदमाश प्रवृत्ति बंदी हैं, पुराने बंदी। ये जो नया बंदी अंदर गया है इसके साथ मारपीट के पैसे मांग, राजू नाम है जो नया बंदी गया है, उसका नाम राजू है। कौन से? हाँ, सेंडी जेल में। अब वो तो मुझे अब वहाँ जाके बयान लेने पता पड़ेगा किसी प्रकरण में बंद है।